हमारा तो ट्रांसपोर्ट ही है और तारिक भाई ने भी हमारी वाली कमान संभाल लिया। तारिक भाई ने गाड़ी में सामान हम लोगों ने रख लिया है और गाड़ियां रेडी हैं हमारी। अच्छा इधर टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत से अच्छे दोस्त मिले, बहुत से अच्छे भाई बने। अस्सलाम वालेकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाई बॉल आ रही थी, मैं डर गया था भाई। आज हम खेल रहे हैं भाई क्रिकेट, ग्राउंड में बंदे भाई खेल रहे हैं और ये दो रन बन चुके हैं। तो भाई आज हम क्रिकेट एंजॉय करेंगे और भाई साहब आपको दिखाते हैं भाई। पिछले व्लॉग में तो हम क्रिकेट खेलने आए थे, उस दिन मेरी हमारी छुट्टी भी थी तो उस दिन तो बारिश आ गई थी। अभी जो है ना देखते हैं भाई, आज तो भाई मौसम सही है, वेदर तो चलो देखते हैं भाई हमारा क्या बनता है। आज क्रिकेट खेल रहे हैं, आज दिखाते हैं आपको, आ जाओ। दो स्कोर हो गए ने भाई। ये हमारी आज अभी बैटिंग है, पहला ही ये वट्टा मार रहा है भाई बंदा। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, बंदे ने पकड़ ली भाई इधर से गेंद। तो भाई हमारा मेरे ख्याल से आज इधर लास्ट डे है, ये तो कल को कंफर्म हो जाएगा क्योंकि आज हमने न्यू ड्राइवर्स को भाई पूरी समझा दिया है भाई कि क्या क्या काम है, उनको हैंड ओवर कर दिया काम। देखते हैं भाई, हमारी कंपनी के कॉल अभी तक हमें तो नहीं आई, देखते हैं कब कॉल आएगी, शायद आज तक आज शाम तक आ जाएगी या कल को आएगी, तो खैर देखेंगे। भी हमने बोला चलो आज का दिन लास्ट डे है भाई, क्रिकेट खेल लो, इंजॉय कर रहे हैं भाई। तो भाई अवैस भाई अभी बॉलिंग कर रहे हैं, अपनी कंपनी के बंदे मोहम्मद आसिफ के स्टाइल में करता है भाई। सीरी काटेंगे चो, वेरी गुड। तो भाई 38 का हमारी टीम ने टारगेट दे दिया है 7 ओवर में, तो अभी हम जो है ना जा रहे हैं फील्डिंग पे, इंशाल्लाह विन करेंगे, टेंशन नहीं लेनी भाई। ये ग्राउंड छोटा है ना, इसीलिए प्लेयर बंदा भी हो ना उसकी गेम ख़राब हो जानी है, क्योंकि बाहर मारना है आउट इसीलिए अंदर 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 खेलना पड़ता है, बस स्टॉप ही करने पड़ते हैं, बस और कुछ नहीं करना पड़ता। The next day. अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। तो भाई हम उठ गए, नाश्ता कर लिया है भाई। ये हमारा ही भाई है, सॉरी कहते हैं उनकी भाई, इसने यूनिफॉर्म पहनी हुई है भाई। आज भाई हमारा तो भाई इधर से ट्रांसफर डे है और तारिक भाई ने भी हमारी वाली वो क्या होती है क्या संभाल ली है, कमान नहीं कमान संभाल लिया तारिक भाई ने। अभी तारिक भाई ने कमान संभाल ली है, तारिक भाई गाड़ी लगी हुई है मेरे ख्याल से कैंप के ऊपर, आपको दिखाते हैं, आ जाओ भाई। ये गाड़ी लगी हुई है तारिक भाई की हमारी रिप्लेसमेंट में, अभी ये गाड़ियां लग रही हैं। हेलो उस्मान, क्या हाल है? वॉइस अभी ये न्यू आईसुजु है, बहुत ही छोटा संदूक है, बहुत ही तंग संदूक है, इंशाल्लाह इनमें सामान नहीं आएगा, ये हमको फिर बुलाएंगे ये देख सकते हो न्यू आईसुजु भाई 2023 मॉडल, माशाल्लाह। भाई ये है 3 टन, जिसको 3 टन ही बोलते हैं, जो हमारी थी ना वो 5 टन थी, उसका संदूक थोड़ा बड़ा था, मतलब कि इसका उधर से संदूक लगा के इधर टेल लिफ्ट तक लगा दो, हमारे तकरीबन हमारी गाड़ियों का इतना बड़ा संदूक था, इनका इतना बड़ा फ़र्क है भाई। देखते हैं इसमें कितना सामान आता है। सुनो के बहुत ही प्यारे स्पीकर होते हैं भाई, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा साउंड मारते हैं, मेरे पास भी रही है सुनो, मैंने 15 मॉडल चलाई है, बहुत टाइम चलाई है। बस इनका ये होता है सुनो का, ये टर्बो तो नहीं है, चाहे जो टर्बो भी हो अगर उनका इंजन अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई अगर ऊंचाई आ जाए ना तो भाई उधर आई सुनो
चस नहीं करती, हिनो बड़ी चढ़ती है भाई, आराम से जाती है भाई, जितना बड़ा ऊपर पहाड़ आ जाए ना हिनो गाड़ी चढ़ जाती है, क्योंकि उसके उसके इंजन में पावर ज़्यादा होती है, चाहे वो टर्बो हो चाहे नॉन टर्बो, चाहे 5 गियर वाली हो चाहे 6 गियर वाली हो, जो 6 गियर वाली होती है वो टर्बो होती है। आप देख सकते हो 5 गियर हैं, ठीक है ना, हिनो का 6ठा गियर ऊपर लगता है, फिर इसका इसुज़ू का भी होता है 6ठा गियर ऐसे ऊपर, बहुत ही छोटी सी सीट, डेढ़ बंदा बैठ सकता है, डेढ़ बंदा, दो बंदा नहीं डेढ़ बंदा। तो भाई तारिक भाई भी हमारी कंपनी में थे, उन्होंने ट्रांसफर किया है, इस कंपनी में आ गए हैं, माशाल्लाह ये वाली भी कंपनी बहुत ही अच्छी कंपनी है, हमारी भी अच्छी कंपनी है, लेकिन ये हमारी कंपनी से भी अच्छी कंपनी है भाई, इतना फ़र्क है। बाकी इस कंपनी में बहुत सी भाई यादें हम छोड़ के जा रहे हैं, स्पेशली तारिक भाई को छोड़ के जा रहे हैं, हमारी कंपनी में उन्होंने 2 साल काम किया माशाल्लाह। तो खैर ये तो भाई प्रदेश है, प्रदेश में आप कोई एक ठिकाना अपना नहीं बना सकते, आपका ठिकाना हमेशा चेंज होता रहता है प्रदेश में। हमारी गाड़ियाँ वो खड़ी हुई हैं भाई, वो चेक करो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है भाई। इधर से अभी कंपनी का अभी कॉल आएगी हमें कि भाई किधर जाना है, कॉल तो जद्दे कर रहे हैं, देखते हैं जद्दे जाना है किधर जाना है, लेकिन अभी तक उनको कॉल नहीं आई कि किधर जाना है। तो अभी नहा धो करके तैयारी शारी करके गाड़ियाँ माड़ियाँ ले के भाई इधर से चेकआउट करेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं क्या बनता है। Many months later. हाँ जी, तो भाई लोगों सामान हमने ठोक दिया अभी गाड़ी में, तो भाई गाड़ी में सामान हम लोगों ने रख लिया है और गाड़ियाँ रेडी हैं हमारी, तो अवैस भाई की गाड़ी है, तो भाई गाड़ी में सामान रख लिया हम लोगों ने, निकल रहे हैं इधर से रियाज जाएंगे, रियाज से आगे पता चलेगा कि जद्दा जाना है, रियाज में काम करना है नहीं पता, फिलहाल जो है ना इधर से चेकआउट कर रहे हैं, की वगैरह रूम की वो हम देंगे उनको भाई, साइन वाइन करके निकल जाएंगे इधर से कि भाई हम जा रहे हैं मसलामा। अभी जो है ना रेडी है सारा सिस्टम, ये चेक कर सकते हो, ये हमारी गाड़ी है, सामान हमने अंदर डाला हुआ है, आपको दिखाया था पहले भी है। लास्ट वाले 2 माल्टे भी पड़े हुए हैं भाई, वो भी खाएंगे, कोई बात नहीं। तो भाई आगे किधर जाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं भाई, आ जाओ। तो भाई लोगों निकल रहे हैं भाई इधर से अभी, यार ये SGP का गिलास मेरी गाड़ी में आ गया, ये मुमताज ने निकाल ली, वो SGP की गाड़ी भी जा रही है, हम इधर से भाई निकल रहे हैं, बाय बाय सऊदी कैथरीन। भाई बड़ा अच्छा इधर टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत से अच्छे दोस्त मिले, बहुत से अच्छे भाई बने इधर, मजा आया इधर। दमाम का एयरपोर्ट है भैया, आप देख लो अभी लास्ट में कतर एयरवेज जा रही है भी, कतर एयरवेज मुमताज की गाड़ी पीछे रुकी है, मैं वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ, मुमताज पीछे रुक गया। तो भाई हम दमाम आए हुए हैं इधर, अब हमारी कंपनी की रिहायश है फिलहाल इधर आए हुए हैं, इधर से फिर निकलेंगे रियाज की तरफ। तो भाई आपको एक चीज दिखानी है भाई, ये चेक करो ये वाला ट्रक, अगर किसी को याद है तो अपना ट्रक है भाई, जो मैं मक्का हज सीज़न से लेके फिर मैं रियाज आया था, रियाज से चेंज की थी, ये दमाम आई थी, उसके बाद हमें ये वाला ट्रक नहीं मिला है। तो भाई ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा ट्रक है, बड़ी पिक है इसकी, बड़ा भागता भी बड़ा भागता है। हाँ जी, अभी हमने इधर ये वाली अपनी हंडाइयाँ लगा दी हैं, मुमताज़ भी आ रहा है खाना लेके, अवैस भी ने भी लगा दी, अपनी भी गाड़ी उधर लगी हुई है, ये देखो टायर मैंने कैसे लगाए हुए हैं, वैसे आपस की बात है, किसी ने देखा तो नहीं है ना, किसी ने नहीं देखा, चलो कोई बात नहीं। much later. भाई लोगों हम पहुंच चुके हैं भाई पासपोर्ट वसिया पे पहुंच चुके हैं, यहाँ पे बर्गर किंग था, हम पहले डिलीवरी भी करते थे इधर, तो अभी जो है ना रियाज तकरीबन हमारे से 100 किलोमीटर बाकी है, 100 किलोमीटर। तो इधर हम आ चुके हैं भाई, सैंडविच वगैरह ले रहे हैं, हमने बोला चलो कुछ पेट पूजा कर ली जाए, तकरीबन थोड़े से टाइम तक इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे अभी अपना रियाज में इंशाल्लाह। तो भाई हमारे सैंडविच और जूस आ गया भाई, हम ये खाते हैं, आप जरा लाइक मारो जल्दी से भाई, गाड़ी में डीजल डलवा रहे हैं भाई, डीजल का रेट आप देख सकते हो ठीक है ना, 75 हलाला।
हाँ जी चलो जी फुल हो गया गड्डियां। हाँ जी तो भाई लोगों हम पहुंच गए हैं जी अपने रियाद सिटी में और रियाद से इंशाल्लाह निकलते हैं भाई जद्दा की तरफ। इधर से गाड़ी लेनी है भाई, देखते हैं कौन सा खजाना हमारे लिए छुपा हुआ है भाई, कौन सी गाड़ी हमारे लिए रखी हुई है इन्होंने। देखो भाई रियाद की लाइटिंग चेक करो भाई, क्या बात है, जस्ट सही है कि नहीं। जाते हैं भी देखते हैं कौन सी गाड़ी हमारे लिए रेडी है भाई जद्दा के लिए। ये लग खटारा रही है, देखते हैं क्या बनता है। भाई साहब हम पहुंच चुके हैं अपने रिहाइश पे और ये सारी गाड़ियां खड़ी हुई हैं भाई, सुपरवाइजर साहब हमारे खड़े हुए हैं। तो भाई देखते हैं इधर से कौन सा नमूना हमने उठाना है। अस्सलाम वालेकुम, भाई ये हमारे सुपरवाइजर साहब आए हुए हैं भाई।